अभी अभी घर गई हुई थी अपने, तो मैं 2 दिन इतने ज्यादा मजे आए मेरे को था कि आराम से मेरा कमरा मेरे को मिल चुका है, क्योंकि शादी के बाद से मेरा कमरा छीन लिया अभी देख क्या और मेरे भाई का सुख। यार से दिल के दलेर चाहे छोटे से मार से तेज अभी बोल नहीं पा रहा क्योंकि ये देखो हॉस्पिटल में आ रखू क्या लग रही है दाढ़ी यार? बढ़िया ओए होए जाके तो शेव करा रहे हैं। यार तू बोलेगी तो फिर नहीं कराऊंगा पक्का। तू बता बढ़ाऊं? Hey guys, what's up? This is Vivek Mahajan and welcome back to the video. यार थोड़ी धूप नहीं आ रही, रुको। धूप में थोड़ा स्मार्ट ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं। ले ही बताने वाला हूँ कि आज का व्लॉग धमाकेदार होने वाला है, एक नंबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई आज हमारे गिनने हमारे आरुष बोला का बर्थडे। अब ये मान लो कि 30 से 35 बंदे होने वाले हैं, फार्म हाउस बुक कर रखा है, तो मुझे नहीं पता कौन आज बचने वाला है, कौन आज मरने वाला है, कौन आज पिटने वाला है, कौन खत्म हो जाएगा। अच्छा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन भागेगा, कुछ नहीं पता, सब आपको व्लॉग में दिखने वाला है। एक नंबर व्लॉग होने वाला है। मैं पहले आपको बोलने वाला हूँ, सुबह हो चुकी है तो हमारा रूटीन क्या है, सुबह उठते ही आते हैं जिम, उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर निकलते सीधा पार्टी पे। जिम में मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। बाकी भाइयों, सबसे बड़ी बीटी क्या चल रही है, ये जो फोन है अभी मैं तनु के फोन से व्लॉग बना रहा हूँ, और पिछले 2-3 व्लॉग मैंने सारे से फोन से बनाया है। मेरा फोन बिल्कुल खराब हो चुका है, दिखाइयो ऐसे ना भी। ये देखो ये कैमरा है, इसमें करियो बैक फ्रंट, देखो कैमरा चली ना बिल्कुल। एमएन लाइटिंग वाली रील तो आपने देख ही ली होगी, और मतलब देखी होगी, नहीं देखी होगी तो उसमें एमएन लाइटिंग भी आ रखी है। बढ़िया दिखाइए एमएन लाइटिंग, ये देखो ओ दिख रहा होगा तुम्हें। हाँ छोड़ो, नहीं भी दिख रहा होगा, काम चला लेना। लव यू सबको दिल से, बाय बाय कर दे, बाय लव यू। चलो भाई तुम्हें लव यू सुनवा दिया, बाय। पकड़ हो चुका है, बढ़िया बैग वैग होगी पंप तगड़ी, तो अब इसको मैं फटाफट घर छोड़ रहा हूँ। और मेरे को थोड़ी भाई बीएड करवानी थी, तो मैंने सोचा भाई फटाफट चलते हैं बीएड करवाते हैं। फोन पे ना भी क्या हुआ, तुक्के से फ्रंट कैमरा ऑन हो गया, मैंने कहा फटाफट इससे व्लॉग स्टार्ट कर ले, तो इसी से ही बना ले, तो थोड़ा बहुत जितना हो पाए। घर जाके खाते हैं मील, आज से सुबह तक तो पता नहीं क्या ही मील जानी है पेट में, तो इससे बेटर यही है कि जितना मैं मील ही जाएगी वो लिक्विड मील होगी। भैया से मैं एक बार मिला था और इन्होंने मेरे को बताया था, मतलब इन्होंने देखा तो कहते हैं यार तेरी पर्सनैलिटी बढ़िया है, ये वो मेरा मतलब बड़ा अच्छा लगता है भाई। अगर भाई ने कॉम्प्लीमेंट किया था, कुछ किया था, कि अब वही है कि भाई जैसे इन बेचारों को क्या होता है, पूरे दिन काम होता है। देखो सबकी लाइफ में है दिक्कतें, सबको पता है काम वाम करना पूरे दिन। अब क्या होता है, हम लोग जैसे फ्री है हम जिम मैनेज कर पाते हैं, अब ये बेचारे लोग हम जैसे लोगों को देखते हैं, कहते हैं कि भाई अच्छी बॉडी है, मेंटेन कर रखे है वो, तो भाई भैया को पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे को बड़ा दिल में था, बस मैं पहली बार मिला था भैया से, याद है दिल वाला कनेक्शन हो गया था जी, जी। मैं दूसरी बार जैसे भी घुसा ना, भैया ने देखते पहचान लिया, मैंने उनको देख के पहचान लिया, मैं तो चलो पहचान ही गया था, तो बस भैया आए कर दो। सो भाई शेप वेप तो तुम्हारी भाई की होगी, स्मार्ट लग रहा तुम्हारा भाई, बस घर जाके थोड़ा बहुत रेडी होंगे। वैसे रेडी तो मैं सोच रहा ना हूँ, क्योंकि भाई पूल पार्टी है, तुम्हें पता है गंद फैलाना होता है, इन्होंने फायदा नहीं कुछ, तो बस अब फटाफट तेरे पास चल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फ़ोन में दिक्कत आ रही है, मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, तो तनु सारे छोटी सी चीज़ बोलता हूँ कि तनु मैं तेरा फ़ोन लेके जा रहा हूँ और साथ में अपना ही फ़ोन लेके जा रहा हूँ, तो देखते हो मेरे को अलाउ करती कि नहीं करती। मुझे पता है मेरे को फ़ोन दे देगी, इसने पहले ही बोला था, बट एक बार फिर अब मैं सीरियस होकर बोलता हूँ कि मेरे को फ़ोन दे दे और मैं जा रहा हूँ, व्लॉगिंग मेरे को करनी है, ठीक है? ओके आगे आ गई, रुको। थैंक यू सो मच फॉर द प्रोटीन शेक। और इसको फोन, अच्छा सुन मैं कह रहा हूँ सुन, मेरे को ऐसे व्लॉग करना, तुम्हें पता है मेरा फोन वोन खराब है, तो मैं तेरा फोन भी लेके जा रहा हूँ, अपना फोन भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? सच्ची था? हाँ ले जा। चल ओके बाय।
अबे मजे ले जा बाबू, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अबे मजे ले रु पागल, मैंने अभी इनको बोला था, मैं कहा देखो देखती देती कि नहीं देती है। देखा ग्रीन फॉरेस्ट मिल गया मेरे को, मजे ले रु। चल ओके, अभी एक मिनट आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, पहले इसको बाय कर देता हूँ, फिर आपके बाद आता हूँ, ठीक है? चलो फाइनली घर आ चुके हैं और ऐसे एक ही चीज बोलता हूँ कि चाहे लाइफ में तुम्हारे पास पैसा हो, चाहे तुम्हारे पास पैसा ना हो, चाहे तुम दिखने में अच्छे हो चाहे ना हो, ये तब भी दारू हाय कर दे, ये देखो ये तब भी तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में तुम हो ना हो, ये हमेशा ऐसे प्यार करते रहेंगे, तभी तो सबसे ज्यादा क्यूटीज होते ही है ना। सो भाई तुम्हारा भाई रेडी वेडी हो चुका है, एक बार आउटफिट ऐसे दिखे अनिल तुम्हें, और भाभी भी आ चुकी है, तो भाभी अभी कहाँ गई थी, क्या बोलते हो उसको, माइके? यस, हाँ घर पे गई हुई थी, इधर तो आ भागती हमेशा, इसके पीछे भागना मत, सुन। तो भाभी अभी घर गई हुई थी अपने, तो मैं दो दिन इतने ज्यादा मजे आए मेरे को, मेरे को था कि आराम से मेरा कमरा मेरे को मिल चुका है, क्योंकि शादी के बाद से मेरा कमरा छीन लिया अभी देख क्या, और मेरे भाई का सुख मजे ले रहे। चल भाई गिड़ी, तो भाई फटाफट रेडी वेडी हो गए और बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, और सबके कॉल पे कॉल कॉल पे कॉल आई इधर के, तो बहुत ज़्यादा भसड़े फैला दी इन्होंने, तो बस मिलता हूँ, बाकी हमारा भाई स्मार्ट लग रहा है भाई। देख टीटी कितना अच्छा फ़ोन दे दियो, सतना कह रहा है रख ले ब्लॉक करने के लिए, सेम ब्रो सर कहते सेम ही है, बाकी सब सेम
हाय मेरी जगुआर। राजा रुद्र जी तो रुद्र गया यार से कलेर चाहे छोटे से मार से
पीछे बना रहा था ना जब आए जब बना लेते कोई नहीं अंकल ब्लॉक करते अंकल थोड़ा पट्टी कराना है वीडियो बनाना है मेरे ब्लॉक करना अंकल हां जी वो पता नहीं क्या बुरा दिन था मेरा क्या था मुझे कुछ नहीं पता ये देखो पूरा हाथ छिला हुआ है ठीक है ये देखो भाई उससे पट्टी पुट्टी करती पैर वगैरह हाथों भी करते लगी है आ चुके भाई हाथों में और भाई सच्ची दारू ईमानदारी की दुनिया है ही नहीं अभी क्या सही हुआ भाई ईमानदारी की दुनिया है ही नहीं भाई रात के टाइम पे भाई 3:50 पे हॉस्पिटल आए ठीक है और इन्होंने इसके साथ और कोई नहीं आया ये देखो मंच भाई ये मनमंच से हम आए और भाई जग्गी भाई ने दिखा दिए और भाई हुआ क्या 800 रुपए पहले इन्होंने लिए ठीक है 800 बाद इन्होंने कहा इंजेक्शन लगाया डॉक्टर आया मोटरसाइकिल मोटर डॉक्टर आया फिर उसके भाई इन्होंने लिए 150 रुपए लिए ना कुछ 250 करके दर्द पता ही लग रहा कल सुबह पता लग गया सारा कल तो सुबह जिंदा ही ना तू ये भी बातें ठीक है पढ़ूंगा जिंदा हूँ भाई इमोर्टल अबे मैंने सो बोला है कि इतने नशे है ही नहीं भाई नॉर्मल हूँ सुबह हो चुकी है और ये अभी बोल नहीं पा रहा क्योंकि ये देखो हॉस्पिटल में आ रखू और मैं ये बस चोटे दिखाया था पहले देखो पूरा हाथ मेरा ये छिला हुआ है ठीक है और इस साइड से मैं छिला हुआ है सब थोड़ी भी ठीक है ये देखो यार टांग के लग रहे हैं और आगे पूरा पैर छिला हुआ है कुछ नहीं होगा तो ये दर्द एक बार जो है हाथ पकड़ मेरा ये एक मिनट की दर्द है बच्चे बस अभी सुन रहे हैं आरुष तेरी पार्टी बहुत बड़ी बन गई आज